Istilahnya kayak yang kan di mana gitu, 21 base kita ya. Hype, half into base into hype on. ये करो, ये भी करवाया हुआ है क्वेश्चन. अब ना जिसकी आवाज आई वो क्लास से बाहर जाएगा, बस यहां नहीं बैठना बस. बोर्ड पे देख भी लो, बोर्ड पे जा रहे हो, देखते देखते ही नहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है आंसर. बिल्कुल चुप हो जाए. ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहो, तुम काम करो. फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड वाले में स्पेयर है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्पेयर. स्क्वेयर की साइड ए होगी, ये क्या होगा, रूट ए, और ये जो रूट टू ए है ये सर्कल का क्या बन गया, डायमीटर का हाफ कर लोगे रेडियस आ जाएगा. एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया अपॉन स्क्वायर का एरिया. इसकी एरिया है ए स्क्वायर, इसका एरिया पाई को पाई रहने दो, रेडियस की जगह आ जाएगा रूट टू बाय टू ए, रूट टू बाय डायमीटर का हाफ कर दिया ना, रेडियस हो गया ये, ठीक है. तो आर स्क्वायर दो बार लिख दिया, ठीक है, ए ए और ये कैंसिल हो गया, पाई रूट टू इंटू रूट टू और टू टू जा क्या आ गया आंसर, पाई बाय टू, तो पाई रेशो टू आ गया. दो का क्या करना है, चाहिए तो रेडियस ही एक जैसे बनने का आएगा, रेडियस यही. साइड स्क्वायर ये एक डॉल, बिल्कुल चुप हो जाओ, क्या नहीं समझ, मैं से पूछो क्या पूछो, वही तो मना है पूछना. मुझे भी ठीक लग रहा है, इधर मैंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या जल्दी जल्दी इधर आओ आप, ये गरिमा का चले क्या, बैठो इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ, ये नेक्स्ट स्टार्ट करो, जैसे मर्जी क्वेश्चन करो, अपने आप करना है, बस इतना ध्यान रखो. डायमीटर का हाफ रेडियस, अरे ये स्फीयर की साइड ए है, पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल आ गया, जो डायगोनल है वही सर्कल का क्या है, डायमीटर, उसका हाफ कर दिया. पी आर, पी आर नहीं की बन, आर एस की बन, आप बताओ क्या आएगी. ट्वेंटी आई, अरे स्क्वायर का जब साइड सारी सेम होती है ना तो जो डायगोनल होता है वो आता है रूट टू इंटू साइड, तो ये स्क्वायर की साइड है टेन रूट टू,
ये भी टेन रूट टू, तो ये क्या आएगा? रूट टू इंटू साइड, साइड क्या है? टेन रूट टू, तो क्या बन गया? ट्वेंटी भी बन गया ये। आप कैसे फाइंड कर रहे थे? ये लर्न कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का टाइम नहीं है, और अगर लगा भी रहे हो तो गलत लगा रहे हो, आंसर ट्वेंटी आ रहा है। फाइंड करना है ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्कल में से, दो तीन मेथड है, एरिया ऑफ सर्कल में से स्क्वायर माइनस कर दो, जो आएगा वो फोर शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा, उनका हाफ कर देना तब आ जाएगा, या ये और ये समझ लो फाइंड करने हैं। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दो, वो भी कर सकते हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है ये? और भी रीजन है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दो किसमें से? सेमी सर्कल में से, वो भी कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीका है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर लो, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल कर दो, सेमी सर्कल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर बाय टू, और ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये गिवन है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड गिवन है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, या सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर माइनस कर दो, जो आएगा फोर शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा, उनका हाफ कर देना टू शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो करो कंप्लीट, कंप्लीट करना है सबने, जिस मर्जी मेथड से करो, जैसे मर्जी करो कंप्लीट, और सबने आंसर, मैं बताती हूँ आंसर, जिसने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ, स्टार्ट करो, बाकी कर ले, कर लो पहले, जिसमें मर्जी आ सकता है आंसर का, क्या आंसर है? पाई में 50 पाई, चैप्टर के क्वेश्चन सेंड किए थे, देखा था? जिसने नहीं देखे अब देख लेना, तो स्टेटमेंट सारी रीड कर लेना, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताए थे ना वो भी थे उसमें। अब एक रिजल्ट और है, वो मैं आज सेंड करूंगी, वो सेम 6.6 का जो मैंने कल आपको बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला, सेम उसी बेस पे रिजल्ट है, लेकिन ए बी बी सी सी डी की जगह पे स्मॉल अल्फाबेट्स ए बी सी और पी में दे रखा है, तो वो रिजल्ट भी एज इट इज है, वो लर्न करने हैं, मैं सेंड करूंगी आज, रीड कर लेना, ठीक है? हाँ मैं डाल दूंगी, वो भी आपने सुन लिया है, जो क्वेश्चंस मैंने कल सेंड किए थे उनको रीड कर लो, आप एटलीस्ट 1-2 times रीड करोगे तभी जाके कुछ आपको याद रहेगा, पेपर में जो ऑप्शंस होती हैं वो इतनी क्लोज होती हैं कि जब तक लर्न नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा क्या करेक्ट है, इसलिए 2-3 बार उसको रीड करो ताकि थोड़ा पता चल जाए आपको, ठीक है? मुझे तो पक्का ही पता है 4-5 स्टूडेंट के अलावा किसी ने देखा भी नहीं होगा, वो देख लो आपके लिए, क्योंकि तो आपके पास वो बुक्स नहीं, आप कहाँ से करोगे, तो वो रीड कर लेना वो सारा कुछ, आज 1-2 पिक्स और सेंड करूंगी वो भी रीड कर लेना, आवाज नहीं। अंकिता या चुप हो जाओ या सीट चेंज कर लो, सर्कल की है।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसी ने फाइंड किया है? किसी ने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड किया है? इसका क्या आ रहा है? ये टू सॉल्व कर दिया। अरे पहले रेडियस तो निकाल। अच्छा रेडियस साइन नहीं किया, निकाल सिर्फ दो का निकालना है इसमें। बेस इनटू हाइट, ये बेस क्या हाइट एसओ, वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में ये जैसे ये लेते हैं ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये यहां से थोड़ी आएगी, ये और ये आएगी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, ये बेस और ये हाइट आती है, वो कैसे आएगी? वो तो अगर आप वो वाली हाइट लेते हो वो तो बेस फिर क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज। एक मिनट आप दो, एक मिनट, डिफरेंस पता क्या है? मैं यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, तो ये बेस ये हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे ही होता है, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग में ये वाला लेती हूँ तो ये बेस और ये वाली हाइट लो ना, फिर हाइपोटेन्यूज को बेस लेके चलो। अब समझ, वही लिया है फिर आंसर क्या आ रहा है? अलग आ रहा होगा फिर। लेकिन आपने परपेंडिकुलर खुद ड्रॉ किया, कहा तो नहीं किसी ने भी ड्रॉ करने को, मतलब आप ये ड्रॉ कर रहे हो खुद खुद ड्रॉ कर रहे हैं, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, तो कर सकते हो। लेकिन वैसे जरूरत क्या है, ये बेस या हाइट लो, क्या दिक्कत है? ले सकते हो ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज बेस बनेगा उस केस इसकी उसकी। ऐसे ही है फिगर, सेम है, स्फीयर की जगह रोम्बस है, स्फीयर की जगह रोम्बस है, सेम फिगर है। करो वो क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिया, वहां से क्या आ जाएगा? रेडियस का डबल करोगे क्या आ जाएगा? और जो डायमीटर है वो रोम्बस का क्या बन जाएगा? ठीक है, बनेगा ना? करो स्टार्ट, रेडियस फाइंड करो पहले। काम कर लो जय दित्य। क्या पूछ लो, ऐसे जैसे कर रही हो ना ऐसे कभी भी नहीं पूछाना, अपने आप करो। अगर एक बार आंसर नहीं आ रहा दोबारा ट्राई करो। इस क्वेश्चन में ये रोम्बस गिवन है, ठीक है, आपके पास सर्कल का एरिया गिवन है, सर्कल के एरिया को आप पाई आर स्क्वायर के इक्वल करोगे, सॉल्व करके रेडियस कितना आ रहा है? ये सॉल्व कितने पॉइंट में आ रहा है? एक मिनट रुको, ज
जब डेसिमल में दिया हो तो आप डेसिमल में लेके कर लेना, पाई को डेसिमल में लेके करो, देखो क्या आ रहा है। 3.1 जब डेसिमल में होता है तो मैक्सिमम टाइम पाई जो होता है वो भी डेसिमल में ही लेते हैं। डेसिमल में जब होगा तो डेसिमल में ले लेना, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और आपको नियर अबाउट आंसर भी पता चल जाएगा। करो 3.14 ले लो, यहाँ पे 706.5 इज इक्वल टू 3.14। या तो पढ़ लो या बोल लो, आवाज मैंने बंद करोगे तो कोई काम होगा। इसको सॉल्व करो 706.5 अपॉन 3.14, करो सॉल्व। कैलकुलेशन तो देखो आपने करनी है, नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे नहीं होनी। करो डिवाइड, आर निकालो, ऐसे हो जाएगा ना, डबल जीरो नीचे सिंगल जीरो, एक कैंसिल होगी, एक जीरो रहेगी, इसकी कटिंग कर लो, डिवाइड करो से, पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 225 आ रहा है यहाँ से, 225 आ रहा है, तो आर क्या आ जाएगा, 15, आर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, बस करो, ठीक है। अब देखो इधर आपके पास आर की वैल्यू आ गई, ये जो फिगर है ये रोमबस है, रोमबस के डायगोनल्स वैसे आपको पता है अनइक्वल होते हैं, लेकिन ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि डायमीटर है, ठीक है। तो अगर ये आ रहा तो ये भी आर, ये आ रहा तो ये भी आर, मतलब इक्वल ही होगा, इसका मतलब स्क्वेयर ही हो गया, ठीक है, बात समझ आई, स्क्वेयर ही हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन था। अब आपने निकाले रोमबस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ इंटू डी वन क्या आएगा, ये क्या है, 30 हो गया, ये भी 30, ठीक है, रेडियस 15 है ना, तो 15 प्लस 15 30, 30 हाफ इंटू 30 इंटू 30 कितना आएगा, ठीक है, 450 आ गया, 900 का हाफ 450, तो एरिया ऑफ रोमबस यहाँ पे 450 आ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन करो, एक्चुअली आपने कोई मेथड थोड़ी दिखाना है किसी को, आपको तो आंसर चाहिए, तो डेसिमल वाले में सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डेसिमल वाला ही रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो माइक को कहाँ लेके आऊंगा, आप उठ के यहाँ आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा सा सॉल्यूशन है, ध्यान से करोगे तो जल्दी हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, करो सब आंसर फाइंड करो उसका। पहले फिगर बनाओ सारे, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज P है और वन साइड जो है वो Q है, रिमेनिंग टू साइड में से वन साइड Q है और P माइनस Q का जो रिलेशन है वो वन है। एक्सप्रेस करना है थर्ड साइड को, थर्ड साइड मतलब जो मिसिंग साइड है उसको P की टर्म में, मतलब थर्ड साइड की वैल्यू लेके आनी है वो भी P की फॉर्म में, मतलब Q को रिमूव करना है, बात समझ गए। राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके एग्जाम आ गए हैं और बिल्कुल ब्लैंक हो, अभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको बताना ही पड़ रहा है, आप एटलीस्ट फिगर तो बनाओ, ट्राई तो करो। ये आ गया हाइपोटेन्यूज पी, थर्ड साइड फाइंड करनी है, दोनों में से जो एक साइड है वो क्यू है और ये थर्ड साइड फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ले लो इसको, एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू दे रखी है, आपको चाहिए क्या, आपको एक्स चाहिए थर्ड साइड इन टर्म ऑफ पी,
मतलब x भी चाहिए p भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? q की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? p plus 1, q की वैल्यू क्या आएगी? q यहाँ जाएगा, p यहाँ, 1 यहाँ आएगा, p minus 1, ये p सेम q की वैल्यू p minus 1 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है? q की वैल्यू इन टर्म ऑफ p निकाल ली, p minus, ये q इधर चला गया, 1 इधर आ गया, p minus 1, लगाओ इसमें फॉर्मूला a minus b होल स्क्वायर, करो सॉल्व, x आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है बस, करो फाइंड, अब इजी आ गया। उसमें क्यू में आएगा, बाद में रिप्लेस कर दो, बाद में कर दो। एक्स तो चाहिए ही नहीं, एक्स की वैल्यू चाहिए पी की फॉर्म में, वन नहीं आ सकता, पी की फॉर्म में ही आएगा आंसर। सॉल्व करो, अंडर रूट टू पी माइनस वन, पढ़ ले, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा तू यहाँ पे बैठ के, तू क्या कर रहा है? ये रख ले, नहीं तो मैंने ले जानी है साथ ही बहुत से लिए। टू पी अंडर द रूट टू पी माइनस वन, मैंने भेज दिया था सुबह, मैं देके गई थी आदित्य सर को, यहाँ रखे थे टेस्ट, मैंने मॉर्निंग में दिए थे, मिल गए ये? दे देना रिसेस में, दे देना। हाँ जी, प्रभु कभी क्लास से बाहर निकाला किसी ने? मैं छोड़ के आऊंगी खुद ही। लिखो क्वेश्चन, देखो इधर ये वाला क्वेश्चन पहले पूरा कर लेते, पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, वन इधर जाके माइनस वन, टू पी इधर जाके प्लस टू पी, तुमने कौन सी कैलकुलेशन की, बहुत अच्छा किया। हाँ जी, ये इधर देखो, cos theta जो है 2m m square plus 1 given है, find the other trigonometric ratios, cos given है m की form में, find the other trigonometric ratios, कितनी trigonometric ratios है? 1 दे रखी है, एक तो इसका reciprocal करके sec आ जाएगा, बाकी रहेगी 4, चलो निकालो, करो start। आपको ये पता है, एक तो मेथड है ट्रायंगल वाला मेथड, ट्रायंगल से दो साइड दे रखी है, थर्ड फाइंड कर लो, एक और भी तो होता है आइडेंटिटीज है ना, जो आइडेंटिटी में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। देखो इधर कॉस की आइडेंटिटी किसके साथ है, तो वहां से साइन आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आ जाएगा। अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ कॉस की वैल्यू पुट कर दो, कॉस की वैल्यू ये आ गई 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो इसे, साइन आ जाएगा, जो साइन आएगा उसका रेसिप्रोकल करके कॉसेक आएगा, ठीक है, तो सेक आ जाएगा, करो करो स्टार्ट, पहले एक फाइंड करो, एक अगर आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे, करो स्टार्ट, डिसिप्लिन काम करो, परपेंडिकुलर कॉस क्या होता है, क्या आ रहा है परपेंडिकुलर,
स्फीयर करो सॉल्व, दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ दो, खुद करो क्वेश्चंस, काम करो। गलत क्यों लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन मत करना, इसे ऐसे रह लेना, ऐसे हो गया ना, ये चला जाएगा। अब ये स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4m स्क्वायर, ये सॉल्व करके क्या आ गया, m रेज टू पावर 4 प्लस, इसको सॉल्व करके क्या आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये साइन आ गया, साइन का रेसिप्रोकल तो वो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1, साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस ऑलरेडी था, सेक आ गया, अब रह गया टेन, टेन का रिलेशन साइन ओवर कॉस भी कर सकते हो, वो भी नहीं, साइन ओवर कॉस ज्यादा इजी हो जाएगा, कर लो करें ठीक है, साइन ओवर कॉस कर लो, वहां से आ जाएगा, निकालो सारी वैल्यू, क्या हुआ, फाइंड करो, एम स्क्वायर माइनस 1 गर्ल्स अपनी क्लास बंद करो, चलो हो गया ठीक, वैल्यू फाइंड करो इसकी,
रैशनलाइज करो इसके अंदर भी, इसमें इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। पहले एक को रैशनलाइज कर लो, फिर सेकंड को रैशनलाइज कर लो, है? हाँ कर लो, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, हो सकता है उससे भी हो सकता है, आ जाएगा, बस ठीक करना। रूट में रैशनलाइज वो कर रहे हो एलसीएम ध्यान से हाँ नहीं प्लस से ऑपोजिट साइन से जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले से रैशनलाइज करेंगे और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से। जब इसे रैशनलाइज करोगे पहले एक देखो ऐसे हो जाएगा नहीं हाँ जी रूट तो आइडिया ऐसे हो गया नहीं ये क्या बन गया होल स्क्वायर और ये क्या है a प्लस b ऐसे हो गया ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये रूट से बाहर आ सकता है लेकिन ये नहीं आ सकता क्यों क्योंकि ये इंडिविजुअल स्क्वायर है होल स्क्वायर होता है तब रूट से बाहर आता है ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा कॉस थीटा ठीक है ये रूट से बाहर आ गया ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी दोनों को सॉल्व करो आंसर इज 2 sec थीटा